पंजाब नून लीग का किला नहीं रहा, इस पर तहरीक इंसाफ का कब्जा हो गया है। गोया वो इस कामयाबी पर भी गालिबन खुश नहीं हैं। अब वो किस तरह का इलेक्शन कमीशन चाहते हैं और किस से चाहते हैं ये भी अगर बता देते तो ज्यादा बेहतर था। आपकी नजर में क्या हुआ जिसको कहा जा रहा है कि लहर चली इमरान खान की? इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को एलिमेंट्स को नंगा कर दिया। पैदागीर किस्म के साफी या एंकर अब आपको पता चल जाता है इसके थोबड़े पे लिखा है पीटीआई। अभी भी मशवरा दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं आप एक साल कंटिन्यू करें, खान आजम के हवाले कर दें, जिस इख्तदार लिया उसी तरह उनके वापस कर दें। और ये जो करते रहेंगे मैं बैंड बजाता रहूंगा, करते रहो जो करना है, मैं अपना काम करने में आजाद हूँ। ये जो अभी राज करेगी खलके खुदा मंजन चल रहा है, ये 3.5 साल में क्यों नहीं राज किया खलके खुदा ने? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, हुकूमत की हिकमत अमली और डॉलर की बुलंदी पर। खबर यह है कि पंजाब नून लीग का किला नहीं रहा, इस पर तहरीक इंसाफ का कब्जा हो गया है। यह पैगाम है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का। पंजाब तो दूर, लाहौर में भी नून लीग की शिकस्त पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। सवाल यह है कि नून लीग इससे सबक सीखेगी या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीके इंसाफ ने और खास तौर पर इमरान खान ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। सिर्फ सियासी और मुक्तदर हलकों के इंतजाम व इंसराम धड़ाम से गिर गए। सियासी तजर्बाकारों के तज्जिए तबसरे सब गलत साबित हुए। ज़िमनी इंतखाबात के नतायज ऐसे आएंगे किसी को भी अंदाजा नहीं था। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमिश्नर की जानबदारी पर सवाल उठा रही थी। पुलिस गर्दी भी इंतहाओं पर थी। दूसरे सूबों से लोगों के पंजाब में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। हद तो ये है कि कल भी गिरफ्तारियां हुई तो वो भी सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। लेकिन इन सब इकदाम के जवाब में अवाम ने वोट की सूरत में दे दिया। पहली बार ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले कि धांधली करने वाले धांधली करके भी शिकस्त से न बच सके। आज यही शिकवा इमरान खान कर रहे थे कि पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके भी नून लीग खुद को शिकस्त से न बचा सकी। सच ये भी है अगर वोटर टर्न आउट ज़्यादा ना होता तो फिर नतीजा मुख्तलिफ होता। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर धांधली ना होती तो लोटे बनने वालों की जमानतें जब्त हो जाती। इलेक्शन हो गए, अवाम ने अपना गुस्सा और निकाला और फैसला भी सुना दिया, नतायज आ गए। लेकिन आप जुल्म की इंतहा देखें कि किसी सियासी वाबस्तगी या बुग़्ज़े इमरान में अब भी कुछ नाम निहाद जियाकार इस अवामी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। ज़मीनी हकायक से बेखबर ठंडे ठंडे कमरों में बैठ कर तज्जिया करने वाले और ख़ुद को अक्ल कुल समझने वाले तज्जियाकार कह रहे हैं कि लोगों को सियासत का पता ही नहीं, इसलिए उन्होंने इमरान खान के झूठ को सच समझकर पीटीआई को वोट दिए। इन तजर्बाकारों की यह बात मान भी ली जाए तो फिर भी सच यह है कि इनकी समझ बूझ अक्ल उनको मुबारक। मुल्क की किस्मत का फैसला अवाम ने करना है जो अपनी मर्जी की मालिक है, इन नाम निहाद तज्जियाकारों के तज्जिये की नहीं। और सवाल तजर्बाकारों की तजर्बाकारी का भी है, जिनकी बदौलत आज भी डॉलर ने फिर नई बुलंदियों को छू लिया है। यह दुरुस्त है कि डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत है, लेकिन सवाल यह है कि इस अदम इस्तेहकाम को खत्म किसने करना है? नून लीग कहती है कि इसने मुश्किल फैसले करके सियासत नहीं रियासत बचाई। आपकी ये बात उस वक्त दुरुस्त मानी जाएगी जब आप अवाम के फैसले के आगे सरे तस्लीम खम करके नए इलेक्शन की तरफ जाएं। वरना जैसे शेख रशीद कह रहे थे कि अगर हुकूमत ने नए इलेक्शन का फैसला ना किया तो फिर वो सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह जाएंगे। क्या मुत्तहिदा हुकूमत इसका इदराक करेगी? अगर नहीं करती तो फिर क्या होगा? इससे आगाज करते हैं। नज़ीर लगारी साहब नूर आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, अब इमरान खान साहब की इस जीत के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या आगे क्या होने वाला है कि अगर इलेक्शंस की तरफ जाया जाता है तब भी मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल हैं और अगर नहीं जाते तब भी मसाइल हैं? जी बहुत शुक्रिया उसामा, आज बहुत अहम दिन है इसलिए कि हम गुज़श्ता रोज़ के नतायज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ के नतायज जो हैं और जिसमें फतह हुई है इमरान खान को और PTI को, हम उस पर बात करेंगे। इमरान खान ने कामयाबी के फौरन बाद जो अपना रद्दअमल दिया वो ये था कि अब और कोई रास्ता नहीं है,
एक गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं। गोया के उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है इस इलेक्शन कमीशन पर जिसने गुज़श्ता रोज़ के इलेक्शन करवाए और जो इनकी कामयाबी का जिसका नतीजा इनकी कामयाबी की सूरत में निकला है। गोया वो इस कामयाबी पर भी गालिबन खुश नहीं हैं और जो इन्हें कामयाबी हासिल हुई है वो भी इन्हें इलेक्शन कमीशन की कोई इसमें भी उनको कोई रिगिंग या कोई इंजीनियरिंग कोई इनकी मैनिपुलेशन नज़र आ रही है। अब वो किस तरह का इलेक्शन कमीशन चाहते हैं और किससे चाहते हैं तो ये भी अगर बता देते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए तो दो फरीकान हैं, एक हुकूमत होती है एक अपोजिशन होती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है अगर वो वापस आते हैं असम्बली में आकर तो फिर दूसरी सूरत हाल होती है। फिर भी एक मिसाल कायम हो चुकी है जनरल मुशर्रफ के दौर में कि अक्सरियती पार्टी के रहनुमा मखदूम अमीन फहीम थे लेकिन उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं माना गया था और स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने जो है मौलाना फजल रहमान को लीडर ऑफ अपोजिशन माना था जी। अब मुझे नहीं पता है कि राजा परवेज अशरफ क्या फैसला करते हैं और अगर इमरान खान वापस आते हैं तो असम्बली में आकर बैठते हैं तो क्या इमरान खान को लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे या वो नूर आलम खान को ही मानेंगे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है ये, या इनको अपना जो राजा रियाज साहब है उनको माना जाएगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। बहरहाल ये बात का फैसला अभी हमें इसका अंदाज़ा नहीं है और हमारा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब वापस असम्बली का रुख नहीं करेंगे और शायद वो असम्बली में नहीं वो प्रेशर बनाना चाहेंगे कि अब इतना प्रेशर बना लें कि जिसके नतीजे में जैसे जनाब शेख रशीद साहब कहते रहे हैं कि जनाब अब तो आपको CDA की हुकूमत पर गुजारा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि वफाक की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद के जुग्राफिया की हुकूमत होती है वो पाकिस्तान के जुग्राफिया की हुकूमत नहीं होती है, क्या ये कहना चाह रहे हैं? और अगर इमरान खान की जो हुकूमत होगी या कल कोई भी वफाक की हुकूमत आएगी तो क्या वो इस्लामाबाद के जुग्राफिया की हुकूमत होगी और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं होगी? पाकिस्तान के जुग्राफिया की यानी काशगर के करीब से लेकर तुफ्तान और जीवनी तक जो हमारा जुग्राफिया है उसके वो हुकूमत नहीं होगी, वफाक का दायरा कार जो है वो इस्लामाबाद तक रहेगा और उसका दायरा कार जो है वो पाकिस्तान के दीगर सूबों और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों तक नहीं होगा। क्या शेख रशीद साहब और क्या उनके मुरब्बी और मोहसिन और उनके लीडर और उनके जो सर रहनुमा हैं जनाब इमरान खान साहब क्या वो भी ये कह रहे हैं कि वफाक का जो दायरा कार होगा वो इस्लामाबाद का जुग्राफिया होगा जो बिल्कुल पिंडी और कहोटा एक तरफ पिंडी और एक तरफ कहोटा पर जाकर ख़त्म होता है और ऊपर रिहाना की तरफ नहीं जा पाता है, मनाल से ऊपर ज़रा सा चले जाएँ ज़रा सा ऊपर चले जाएँ वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है इस्लामाबाद का जुग्राफिया। तो क्या इसको आप जुग्राफिया कह रहे हैं? यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी फिर इस्लामाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो अटक ज़िले के फतेहजंग तहसील में है। तो आप कहाँ पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए इस तरह की गुफ्तगू? आप जब आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हो तो कम अज़ कम उसके अंदर इस तरह की जो बड़ी बालिग नज़री दिखाना चाहते हैं आप वो ना दिखाया करें। पाकिस्तान एक वफाक है और एक वफाक तमाम उसमें इकाइयाँ हैं और इकाइयाँ बेशक खुद मुख्तार हैं बेशक अपने तौर पर अपने मामला चलाती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वफाक जो है उसका कोई दायरा कार नहीं है और वह पाकिस्तान का नहीं है। सही शायद हाँ, अब ये सूरत हाल पैदा होती है कि क्या वफाक में हुकूमत जो है वो रहेगी अच्छा, नहीं रहेगी इस पर आते हैं सर। ये क्या कितना प्रेशर हाँ जी लगारी साहब इस पॉइंट पर आएंगे। हमारा अगला मौजू यही है। नूर आरफीन ये जो इमरान खान साहब को जीत मिली है इसको तारीखी इसलिए भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हवाले इसके मिलते हैं, ज़मीनी इंतखाबात इस तरह के कभी नहीं थे कि जिसकी वजह से हुकूमत ही चली जाए। अब नज़र आ रहा है शिकस्त तस्लीम कर ली, शायद अब हमजा शहबाज साहब देखेंगे कि वो मुकाबले में आते भी हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जो लोग लड़कर आए थे यानी वो इलेक्टेबल्स थे, उन्होंने नून लीग को भी हराया था तहरीक इंसाफ को भी हराया था, अब उन्हीं के पास और बाद में तहरीक इंसाफ में जो शामिल हुए उनके पास अब नून लीग की के भी का भी वोट था, अपना भी था, नून लीग का भी था, PDM की जमातों को भी था, पीपल्स पार्टी का कुछ जगहों पर चंद हज़ार ही सही कुछ तो वोट होंगे ना पंजाब में, ऐसा नहीं है जनूबी पंजाब में भी उनके वोट हैं जिस तरह हम देखते हैं यूसुफ अज़ा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने भी कोशिश की सलमान नईम वगैरह के लिए कहीं ना कहीं निकले होंगे। तो ये आपकी नज़र में क्या हुआ जिसको कहा जा रहा है कि लहर चली इमरान खान की? कहने वाले कहते
कहने वाले तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे, आपको लगता है कि वो जिसने भी लिख करके दिया है वो खुद भी अकल कुल है? उसने अभी उन तमाम तबसरा निगारों को लपेट लिया जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उसने उनको नाम निहाद कह दिया? नहीं मेरे भाई, चंद लोगों ने नहीं, आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो अपने आप को उन्हीं नाम निहाद लोगों में शुमार करवाऊंगा भाई। अच्छा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा देख करके अब इमरान खान पता है क्यों मुझे अच्छे लगने लगे, क्योंकि इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को नंगा कर दिया है। अब आप किसी भी पैदागीर किस्म के साफी या एंकर या किसी को भी देख करके ना, अब आपको पता चल जाता है इसके थोबड़े पे लिखा है पीटीआई, ये जब बोलेगा ये गलाजत को हलवा साबित करेगा। अब आप किसी को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पटवारी है। अब आप किसी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी डांडे जो हैं वो बिलावल हाउस से मिलते हैं। अब इमरान खान ने आने के बाद इस पाकिस्तानी कौम पर ये एहसान ज़रूर किया है, विफाक से अलग होने के बाद ये मजामती तहरीक जो उनके अपने तौर पे वो चला रहे हैं, मैं यहाँ इमरान खान का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि इससे पहले वो सारी बातें जो नॉर्मली नहीं होती थी, जो लोग नहीं सोचते थे, अब इमरान खान ने वो कहते हैं ना कि नकाब भी उतार दिया है, अब सबको सब पता है, अब चैनल लगाते हैं लोग और चैनल लगाते ही पता चल जाता है कि उनको प्रो पीटीआई खबरें देखनी है, उनको प्रो नून लीग खबरें देखनी है, उनको प्रो पीपल्स पार्टी खबरें देखनी है, या उनको अजीब सी खबरें देखनी है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अगेन वही वाली बात जो आप कह रहे हैं नाम निहाद, तो भाई मेरे हर आदमी को अपने तबसरे का, अपने तजिए का मुकम्मल तौर पर हक हासिल है, वो जिसको चाहता है, जिस हिसाब से चाहता है, अपने उस फ्रेम में पोर्ट्रे कर सकता है जो उसने मेरे ख्याल है अपने हिसाब से एक बॉर्डर लाइन बना करके रखी है। अच्छा, अब अगर वो आपकी पसंद से मुतवाजिन के खिलाफ है, उसकी बिल्कुल बरक्स है, उसकी मुतजाद है और उसकी जिद है, अच्छा, तो उसको किसी खास फ्रेम में फिट कर देना, उसको पोर्ट्रे कर देना ब्लैक से या उसको ग्रे शेड्स में रख देना, ये कतई गैर मुनासिब है, ये अच्छा, कतई गैर मुनासिब है। क्यों ये बताएं, अभी, मेरी अभी, अपनी चोर, मैं आप समझिए, मैं अपने आप को चोर कह रहा हूँ, मैं अपनी ही, हालांकि मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन आप समझिए कि मेरी दाढ़ी में तिनका है। आप तो हम देखते हैं जितनी भी जमातें हैं जहां आपको लगेगा कि वो गलत कर रही है, चाहे वो तरीके से मेरी तरफ इशारा था गोया, हाँ जी मेरी तरफ इशारा था, नहीं मैं चूंकि आरफी ने अभी बात कर रहे थे उस वजह से मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये बताया कि ये इलेक्शन कमिश्नर अब इनके होते हुए जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, जो लगारी साहब ने जिसकी बात की, अब उन्होंने खिताब भी किया है, उसमें भी उन्होंने बताया कि धांधली के बावजूद हम जीते हैं और क्या कुछ नहीं इन्होंने किया, वो सब बात कर रहे हैं। सब कुछ बड़ा अजीब सा है, ये भी तो हो सकता है कि जो आपने कहा वो सब कुछ और ये सब कुछ सब बड़ा अजीब सा है। हाँ, पार्लियामेंट से बाहर एक गुफ्तगू हो जाए, बातचीत हो जाए, उसके बाद जाकर एक रस्मी कार्रवाई कर ली जाएगी जी, अच्छा अपोजिशन लीडर की तरफ से भी ये नाम आ गया और इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हम तब्दील करते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि अब साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता लगता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपनी अहमियत अब बता दी है? कैसे नहीं हो सकता कि आप उनको सिस्टम से बाहर रखें और मामला चल जाए? नहीं देखिए, ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं, एज अ पॉलिटिकल लीडर भी अगर आप इमरान खान की अहमियत को जांचना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है जो नवाज शरीफ की हुकूमत में अकेले इमरान खान और पीटीआई ने तिगनी का नाच नचाया था, मेरा ख्याल है वही बहुत है। कौन कर रहा था इमरान खान के अलावा अपोजिशन, और कौन ऐसा था कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ असेंबली में नहीं जा रहे थे, और कौन ऐसा था कि जिसकी वजह से जो है वो असेंबली के इजलास तवील मुद्दतों बाद मुनक़िद हुआ करते थे और उसमें भी जो कुछ होता था वो आपके सामने ही है। तो इमरान खान की अहमियत से सरफे नज़र करना, ये तो मेरा ख्याल है दिमागी फतूर होगा, ऐसी कोई हरकत तो मैं कम अज़ कम इसका इर्तिकाब नहीं करना अच्छा। चाहूँगा, लेकिन जी ये सब कुछ जो मलगूबा बना है ना, ये सब बड़ा अजीब सा है, ये सब बड़ा अजीब सा इसलिए क्योंकि इमरान खान ने जीत से पहले एक जो माहौल अपने जुबानी बनाया था वो बड़ा अजीब और गरीब था। उन्होंने बताया था मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस सारे खेल को खराब करेंगे। इस पूरे खेल में उन्होंने बताया था इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इस खेल को, एपिसोड को खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे। जी। ऐसा कुछ हुआ? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो इमरान खान की फतह से फौरन बाद, इमरान खान की फतह से फौरन बाद आप देखिए कि मजीद चीजें एम्बिग्विटी का शिकार होना शुरू हो गई हैं, मजीद चीजें अजीब सी हो गई हैं। कैसे? मरियम नवाज का ट्वीट आता है, मरियम नवाज कहती हैं जी कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, हमें अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। ये आसान है, ये पाकिस्तानी सियासत में इस तरह की कोई रिवायत पहले देखते हैं आप? ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, फी सबीलिल्लाह बिलावजह हो रहा है।
ये सब कुछ अजीब सा है, ये सब चीजें मलगूबा हैं। आप एक तस्वीर का रुख तो देख रहे हैं लेकिन दूसरा रुख भी एट द वेरी सेम टाइम आपको देखना पड़ेगा। एक रुख ये है कि इमरान खान ने 15 सीटें जीत ली और दूसरा रुख ये है कि इमरान खान ने 5 सीटें हार दी, 4 सीटें नून लीग को नसीब हुई, 1 इंडिपेंडेंट। तो इमरान खान का बयानिया जिसके बारे में बात हो रही है कि इमरान खान का बयानिया और लोग अवाम की राज चलेगा, अब राज करेगी खलके खुदा, और केड़ी खलके खुदा। अच्छा, इमरान खान की 3.5 साल का अगर आप थोड़ा सा वक्त रखते तो फिर मुझे बताइए। अच्छा, फिर मैं शुरू करता हूँ दिन तक, चूंकि ब्रेक का वक्त होने वाला है। लगारी साहब, अभी इमरान खान साहब ने कहा है चलें जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े, तो इसमें आप क्या पहलू देखते हैं कि अब कोई उनको एंगेज किया जाएगा मामला आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि अब जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो बड़ा खतरनाक हो गया, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट फिर गिर गई, कुछ समझ नहीं आ रही है हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, इसके फैसले किस तरह से होंगे, कितने अरसे के लिए होंगे। अब सिर्फ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस्लामाबाद तक नहीं, लेकिन वो शायद एक इश्तारे के तौर पर कह रहे थे कि 18वीं तरमीम है, सूबा इख्तियार आता बढ़ गए हैं, तो वो तो वफाकी हुकूमत तो उस तरह सूबों पर नहीं जा सकती, उसके पास तो कोई हुकूमत नहीं उन लोगों के पास। तो अब आगे बढ़ने का क्या तरीका है कि बैठ कर को मुज़ाकरात किए जाएँ, तय किया जाए इलेक्शन असलाहत के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, या कन्फ्रंटेशन ही जारी रहेगी, सियासी दम इस्तेहकाम रहेगा तो मईशत तो फिर डूबती रहेगी? पहली बात यह है कि उन्होंने अलामत निगारी से बातें करते रहे हैं ना, नाम एक सामने तो जो है वो बात करते रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नहीं उन्हें चाहिए, और इलेक्शन के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी उनका नुक्ता नज़र तकरीबन वही रहा है कि जनाब एक गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के तहत। तो इसका मतलब है वो मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड को भी चाहते हैं, जो एजी है या कौन भी है उसका भी चाहते हैं कि उसको भी रिप्लेस किया जाए। मैं फिर और ज़्यादा आसान कर दूं आपके लिए, वो चाहते हैं कि सारे सर्विसेज चीफ चले जाएं, इलेक्शन कमीशन चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए, और जितने इदारे हैं वो सब चले जाएँ, और ना सिर्फ चले जाएँ बल्कि इमरान खान सबको खुद नामजद करें कि ये सर्विसेज चीफ्स होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, ये चीफ जस्टिस साहबान होंगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान होंगे, ये सारे का सारा सिस्टम वफाक का वो खुद बनाकर अपने हाथ से और उसके अप्रूवल देकर मंजूरी देकर सर हिलाकर कहेंगे कि हाँ ठीक है अब चले मैदान में और हम मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। वो ये चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी की जाए, इसलिए कि उनकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, उनकी मन की मुरादें पूरी हो रही हैं, उनसे सब कुछ कराया जा रहा है, वो सब जिस तरह से हो रहा है वो सब कुछ किए जा रहे हैं। तो ठीक है, आप पाकिस्तान को रख दें उनके कदमों में और पाकिस्तान के सिस्टम को उनके कदमों में रख दें, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के इदारों को उनके कदमों में रख दें और कहें कि जी सबको राउंड। सर दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है सर, ईमानदारी की बात है हर चीज में, मतलब ईमानदारी की चीज ये उसामा जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है इमरान खान की फतह यकीनन है, लेकिन इसमें जितना ये जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना, इसमें मीडिया का जो किरदार है, इसमें मीडिया के किरदार पे ही अगर हम बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। फिर इमरान खान को अपनी अप्रोच को भी देखना होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में जो है वो बैरूनी एक तो साजिश का मंजन बेचें, हम इदारों को मतून करें, उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ खताएं, गलतियां, कसूर सियासी लीडरशिप का भी है, अगर उस तरफ भी थोड़ा सा नज़रकरम हो जाए तो शायद बेहतर होगा। नून लीग को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो उनके मुंह पे कालिक मली है ये क्यों मली गई है। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंने खैर एक बचा के रखा है वो अभी तीर, तो वो आरफीन नामे में मैं चलाऊंगा, मैं अभी इस तरफ क्यों जा रहा हूँ, तो आप अभी ब्रेक पे जाना चाहें तो आपको इजाज़त। अच्छा, वैसे इससे मुझे याद आ गया कि वो कुछ अरसा पहले बड़ा मशहूर हुआ था कि मरीम औरंगजेब साहबा ने फरमाइश कर दी थी कि ब्रेक पर ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर एंकर ने ब्रेक ले ली थी, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है वो चूँकि फ़र्क है, तो अब आपका हुक्म है उसकी हम तामील करते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉलर फिर रिकॉर्ड और मईशत संभल नहीं रही, अब किस तरह से इसको संभाला जाए मुल्क में। ये तो सुना था कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क बच गया है, लेकिन अगर सूरत हाल ये रही तो खुदा न खास्ता फिर हम उस तरफ पोजीशन में जा सकते हैं। जो मुश्किल फैसले कहे जा रहे हैं कि IMF की तरफ से अब 1 अरब डॉलर से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो मिलने हैं उसके लिए भी और जो फरमाइशें हैं वो भी पूरी होनी है, ये एग्रीमेंट हो चुका है, क्या ये हुकूमत अब वो मुश्किल फैसले करेगी जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जी मुश्किल फैसलों की वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है, नवाज शरीफ साहब अब मजीद हुकूमत में नहीं रहना चाहते, ये बड़ा वाज़ेह है, उसके बावजूद मशवरे दिए जा रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं अभी इसी हुकूमत को चलाया जाए, तो क्या होगा, किस तरह से मईशत संभलेगी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला
पता चला। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है, मईशत भी संभलती नज़र नहीं आ रही। अब IMF की तरफ से कहा गया है कि जो उनका फाइनल बोर्ड का इजलास होता है उससे पहले जो शरायत हैं उनको मानना होगा, यानी बिजली गैस की कीमतें और बढ़ानी होंगी। क्या ये हुकूमत बढ़ाएगी और फिर उसको कंटिन्यू भी करना चाहेगी? लगारी साहब, ये जो माशी अदम इस्तेहकाम है, आपकी नज़र में इसका हल क्या है? क्या फौरी इलेक्शन की तरफ जाना, या अभी भी मशवरा दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं आप एक साल कंटिन्यू करें, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या बेहतर हल है? देखें, मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी हद तक रियलाइजेशन पाई जाती है कि जनाब हमें इन मुश्किल हालात में इक्तदार नहीं संभालना चाहिए था, और अगर ये बात उनके वसी हलकों में मौजूद है तो उनके लिए हमारा क्या, उनके अपनी जमात के लोगों का मशवरा ये है कि जी अलग हो जाएं इक्तदार से, और नतायज जो हैं वो आने वाले भुगतें, या वो खान आदम के हवाले कर दें, जिस तरह इक्तदार लिया उसी तरह उनके वापस कर दें और कहें कि जनाब आप आ जाएं और आप इस मुल्क को खुद संभालें। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का तो क्या ये होगा? जो 3-4 महीने का अप्रैल बलूचिस्तान हुकूमत कुर्बानी देगी एक साल की? नहीं, मैं नहीं समझा हूँ आप क्या फरमा रहे हैं। सर, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर असम्बलियाँ भी तहलील करनी होगी ना, क्योंकि सूबाई और कौमी असम्बली दो असम्बलियाँ उनकी अपनी हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दो असम्बलियाँ उनकी अपनी हैं। अभी पंजाब में हो जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान है, और दुनिया भर में ऐसा होता है कि सूबों में और वफाक में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, बल्कि ये भी पता चलता है कि कई कई साल का फ़र्क होता है सूबों के और वफाक के इलेक्शन में। तो करा लें इस दफ़ा, दो सूबे अपने पास उनके वैसे ही मौजूद हैं, वफाक में आ जाएं और ख़ुद इलेक्शन करवा के खुद दोबारा आ जाएं सर, और अगर सूबों को आए तो फिर गवर्नर राज लगा दें और वहाँ पर भी इलेक्शन का रास्ता निकालें, एमरजेंसी लगा लें। अच्छा आरफीन, आपकी नज़र में क्या हल है? मेरी नज़र में क्या हाल है, मैं मसीहा थोड़ी हूँ, ये जो करते रहेंगे मैं बैंड बजाता रहूँगा, करते रहो जो करना है, मैं अपना काम करने में आज़ाद हूँ। नहीं, मैं अपना बाजा बजाता रहूँगा, ये अपना हलवा खाते रहें, आप उसको जिहाद का नाम दीजिए, मैं इसको फसाद करार देता रहूँगा। लेकिन चले, कोई तो आपकी नज़र में होगा ना, आपके ख्याल से क्या आप जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें क्या आप समझते हैं सियासतदानों क्या करना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए या जिस तरह से हालात चल रहे हैं? भाई, सियासतदान होता है फायदे का पुजारी, सियासतदान होता है फायदे का पुजारी, ठीक है। ये जो चूरन अभी थोड़ी देर पहले बिक रहा था, मैं अभी कल से देख रहा हूँ बाकायदा, बस अब तो अल्लाह माफ़ करे बेशर्मी, अब तो आर्ट इतनी ज़बरदस्त बन गई है, अब तो बस यही रह गया है कि जिंदाबाद इमरान खान करके और शुरुआत की जाए, जिंदाबाद नून लीग करके शुरुआत की जाए, जिंदाबाद पीपल्स पार्टी करके शुरुआत की जाए, बाकी तो कोई कुल करम तो उठा नहीं रखा गया है। अब तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि बस क्या किया जाए, यहाँ पे फ़ायदे का सौदा है, लेकिन अच्छा। ये फ़ायदे का सौदा भी उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे ही चैनल पर टिकर चल रहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी इनको छुट्टी करो। अब उनकी छुट्टी करके वो कह रहे हैं सरेआम पैसा चला। अच्छा, पैसा चला तो पैसे का रिजल्ट क्या आया, पैसे का रिजल्ट क्या आया? ये जो मैं जिन लोगों की बातें कर रहा हूँ, मोस्टली जिनको पीपल्स पार्टी की यूथिया ब्रिगेड इनको साफ़ी मानती है, इन्हीं को साफ़ी मानती है, बाकी किसी को भी वो लिफ्ट कराने के मूड में नहीं होती, वो सिर्फ उन्हीं का कहा उस पर ईमान लाती है अल्लाह मियाँ के कहे के बाद और फिर इमरान खान के कहे के बाद। उन लोगों में से कौन है ऐसा जो इस वक्त सही बता रहा है? ये जो अभी राज करेगी खलके खुदा मंजन चल रहा है, ये 3.5 साल में क्यों नहीं राज किया खलके खुदा ने? क्यों इनको जूते पड़ते रहे? क्यों महंगाई के हाथों इनको बर्बाद किया जाता रहा? क्यों बैड गवर्नेंस का के ज़रिए से हमारे सब्र का, हमारे जब्त का, हमारे तामुल का इम्तिहान लिया जाता रहा? क्यों इस वक्त भी कुछ और लोगों को कुछ और चीज़ें समझ में आ रही हैं जिनको बासानी बोलना अच्छा। मुमकिन है ना ही उसको हजम करना, बहुत सारी चीजें हैं ना। सही, सियासतदान तो सिर्फ फायदे का सौदा करता है। शायद इस वजह से वो उनके जो हामी है वो इस वजह से भी कहेंगे लोग भी कि जी वो 3.5 साल का जो हमने सोचा था बड़ी महंगाई है, जो ये खुद हुकूमत अब मान रही है कि वो तो कुछ भी नहीं थी जो इन 3 महीनों में हो गया, तो वो उससे कंपैरिजन करें तो वो लगता है कि वाकई वो बहुत कम महंगाई थी। वो ये बता रहे हैं कि 3.5 साल में पाकिस्तान जन्नत अर्जी का नमूना बन गया था, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3.5 साल तक मैंने जितने प्रोग्राम किए सब इमरान खान के खिलाफ थे, सब इमरान खान के यूथियों के खिलाफ थे, सब इमरान खान के रखे हुए एंकर्स के खिलाफ थे,
कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मैंने छोड़ा हो। तो क्या मेरा दिमाग खराब था या मुझे रोने पैसे दिए थे इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करने के लिए? या तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दो कि भाई मैं ये समाज दुश्मन काम क्यों करता रहा इबादत के तौर पे, या तो कोई आदमी तो अकल को हाथ मारे ना, कोई आदमी तो अकल को हाथ मारे। ये जो खिचड़ी इस वक्त पक रही है, इसका रिजल्ट जैसा कि आपने मुझसे पूछा, अब मैं भी आपसे पूछ लूं, इसका रिजल्ट क्या है? इमरान खान साहब इख्तदार में आ जाएं, दैट्स ऑल। नहीं, कोई भी आए उसके बाद फिर अमेरिका, जो बाइडन उसके बाद जो बाइडन क्या हमें जो है वो फोन करके सलूट मारेगा क्या? उसके बाद खान साहब को मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी क्या? उसके बाद हमको बाकायदा ये टूट टूट बंद करो भाई। ये तो आपकी बात मैं समझ गया, कुछ दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहने लग जाएंगी, लेकिन बहरहाल हम इस अदम इस्तेहकाम से तो किसी तरह निकले ना। लगारी साहब, एक लगारी सब पे भारी में हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तिजारत को फ़रोग देना है, इसमें हमारी सूरत हाल इस वक्त है क्या? बहुत शुक्रिया भाई कि आपने वक्फा नहीं लिया और हम रवा जा रहे हैं। सर वो बस कमर्शियल ब्रेक आ जाएगी, टाइम कम है। मैंने ऐसे 25 जी हुक्म, फिर तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मेरे पास जो दस्तावेज है वो तो बहुत ज़्यादा है और वो 3 मिनट में शायद ना हो सके। मैं बस सिर्फ आपको करता हूँ, फिर मैं 10 मुल्कों को टॉप 10 ममालिक ले लेता हूँ जी जरूर, कि जिनको आप एक्सपोर्ट्स करते हैं पाकिस्तान करता है। मेरे पास 25 मुल्कों की फहरिस्त थी और मैं उसको कम करके 10 मुल्कों की करता हूँ जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट्स कितनी कम है और कौन से ऐसे मुल्क हैं जो आपसे 2 करोड़ महाना के हिसाब से भी इम्पोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे ममालिक भी हैं और आपके दोस्त ममालिक हैं जो आपसे 2 करोड़ महाना की जो है एक्सपोर्ट्स आपकी चीज़ें नहीं लेते हैं। उनमें मिस्र है, शाम है, अलजायर है, ईरान है, नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, रूस है, अफ्रीका है, और अफ्रीकी ममालिक जो हैं और सिर्फ 2 ममालिक हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं जो आपसे लेते हैं। बाकी पूरा अफ्रीका खाली पड़ा है, लैटिन अमरीका खाली पड़ा है, सेंट्रल एशिया खाली पड़ता है पड़ा है, जिसको आप सालाना 20-25 करोड़ डॉलर की अशिया भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं 10वें नंबर पर बांग्लादेश, और बांग्लादेश साहब से 81 करोड़ डॉलर की, 81 करोड़ और 56 लाख डॉलर की चीज़ें लेता है। अफगानिस्तान आपसे जो है वो 83 करोड़ और 59 लाख डॉलर की चीज़ें लेता है। इटली आपसे जो है वो 89 करोड़ 38 लाख डॉलर की चीज़ें लेता है। स्पेन जो है आपसे 1 अरब डॉलर की अशिया लेता है। यूएई आपसे जो है वो तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ की लेता है। हॉलैंड आपसे जो इम्पोर्ट्स करता है अपने मुल्क के लिए वो 1 अरब 40 करोड़ हैं। जर्मनी ये 4थे नंबर पर है, ये 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की चीज़ें आपसे लेता है। और बरतानिया आपसे 3रे नंबर पर है, 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की चीज़ें लेता है। चीन आपसे 3 अरब डॉलर की चीज़ें लेता है, और सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ें इंपोर्ट करता है अमेरिका, जो आपसे 6 अरब 10 करोड़ डॉलर की चीज़ें जो है वो आपसे लेता है। सिर्फ एक बात शामिल करना चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए कि अमेरिका इंडिया से 76 अरब 11 करोड़ डॉलर की अशिया अपने मुल्क में मंगवाता है और खसारे का सौदा करता है। इंडिया को वापस जो है वो टोटल 43 करोड़ का जो है उसको अपना माल भेजता है, 76 करोड़ डॉलर का उससे माल लेता है। बरतानिया भी खसारे का सौदा करता है इंडिया के साथ, बाकी सारे मुल्क जो है उनकी तिजारत और वो खसारे का सौदा नहीं करते हैं, बल्कि इंडिया को खसारा होता है तिजारत में, लेकिन अमेरिका और बरतानिया जो हैं वो भारत के साथ खुद खसारे का सौदा करते हैं। और बरतानिया 18 अरब 83 करोड़ की अशिया मंगवाता है अपने मुल्क में इंडिया से। तो आपका और इंडिया का मुकाबला और मुवाजना करना चाहें, आप 6 अरब जो सबसे बड़ा आपका ट्रेड पार्टनर है, जो सबसे ज़्यादा आपसे मंगवाता है वो अमेरिका है, और वो आपसे 6 अरब 10 करोड़ की चीज़ें मंगवाता है, और इंडिया से 76 अरब। और अगर उस तरफ जाएंगे कि आप क्या खुद अमेरिका से क्या मंगवाते हैं तो आपको लेने देने पड़ जाएंगे, फिर आपकी पता चलेगा। अच्छा, आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं अपना जापान को, 2 करोड़ डॉलर की भी एक्सपोर्ट्स नहीं करते हैं जापान को, जहां की गाड़ियां आपके पूरे मुल्क में चल रही होती बिल्कुल सही लगा। इस पर बात करेंगे, आप नई मंडियां तलाश करना और ये हसल कमाई, अगर हमने जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने निकलना है इस बहरान से तो हमने ये बरामदात करनी है, माल बेचना है दुनिया में,
तो ये नई मंडियां भी एक्सप्लोर करनी होंगी। आरफीन नामा, आरफीन मुश्किल फैसले नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमें ले बैठे, अब ये कोई आपको लगता है कि अब आसानियां, मरीम साहब ने कहा था खुशखबरियां हैं अब आगे, या आपको मुश्किल फैसले नज़र आ रहे हैं? दो खुशखबरियां शुरू में ही बता देता हूं, इमरान खान साहब को रिलीफ का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जमानतों में तोसी हो गई है, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, खुशखबरी नंबर वन। और खुशखबरी नंबर टू, पिशावर हाईकोर्ट ने मालम जब्बा बीआरटी बिलियनट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अब कैसी रही, अब मरियम नवाज क्या कहेंगी, अब पटवारी क्या कहेंगे खुशखबरियों का सिलसिला? और भाई खुशखबरी जो है ना वो सुनो, खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है कि जावेद लतीफ़ कह रहे हैं हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया। आगे कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा, लोगों ने हमें माशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था, इमरान खान हुकूमत पर पर्दा डालने का नहीं, हमसे 3 माह लोग पूछते रहे हमारी कारकर्दगी, हम हुकूमत में रह करके भी लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। अब समझ में आ रहा है वो जो चूरन इमरान खान बेच रहे थे जावेद लतीफ़ को, अब समझ में आया कि ये दरहकीकत वो सौदा था जो नवाज शरीफ अपने दौरे इक्तदार के खात्मे के बाद लेकर के जीटी रोड पे निकले थे, लेकिन तसलसल के साथ शहबाज स्पीड इसको फरोख्त न कर पाए। और जाहिर है कि जब आप कोई काम अधूरा छोड़ देंगे तो फिर कोई ना कोई तो वो काम करेगा, तो इमरान खान साहब ने इस काम को अपने हाथ में लिया। अब आप देखिए ना आरटीएस सिस्टम पर कोई जोर पड़ा, ना धांधली की आवाज़ें सदाएँ बुलंद हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बेचारे वो तो शुरू से ही इमरान खान की नज़रों में खटक रहे थे, बावजूद उन तमाम तर रिलीफ के कि जो मुख्तलिफ केसेस में उनको अब तक मिलता रहा, फैसल वाडा को मिलता रहा और दीगर लोगों को मिला है, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि वो जो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, मेरा ख्याल है वो कमेटी भी आपस में सर जोड़ करके बैठ करके ये सोच रही होगी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम इमरान खान को आर्टिकल 6 की लपेट में लें और उधर से कोई दूसरी सुनामी आकर के और हम सबको बहा करके ले जाए। इमरान खान साहब कल नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से कोर्ट रुख कर रहे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं, ये एक अच्छा मूव है, ये एक अच्छा मूव है कि अगर वो समझते हैं कि नैब के कवानीन में तरमीम के जरिए कोई मुतनाज़ा हरकत इस एक हुकूमत ने जिसे वो इम्पोर्टेड कहते हैं उसने फरमाई है, तो उसकी इन तमाम चीज़ों को रिवर्स करवाने के लिए वही एक मुनासिब फोरम है, वो अगर वो वहाँ जा रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गुत्थियाँ हैं जो अभी तक सुलझने में नहीं आ रही। हुकूमत की हार सबसे पहले मोहतरमा आंसा दुख्तर नवाज शरीफ साहब ने क्यों कर इतनी जल्दी कबूल कर ली, फिर उस पर मलिक मोहम्मद खान साहब हर चैनल पे मैं देख रहा था कि वो बाकायदा आकर के और लैंडस्लाइड विक्ट्री बता रहे हैं। कई सवाल अभी भी हैं, चले हम कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम्स में इनको भी डिस्कस करें, किस तरह हार मान ली नू लीग ने। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।